होल्डिंग करते हैं। सो चलते हैं। सो गाइस हमें फाइनली बस टिकट मिल गई है एंड वो 6:30 या 7 बजे मैक्सिमम की आ जाएगी एंड उसके बाद हम बस में बैठेंगे एंड फिर हम अमृतसर पहुँच जाएंगे। तो 11 बजे या फिर 10 बजे हमें अमृतसर छोड़ देगी, उसके बाद हम गोल्डन टेम्पल विजिट करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपको मिलती हूँ बस में। ये हमारी बस चल रही है, मुझे उल्टी आ रही है क्योंकि मजा भी आ रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा। ये पंखा जो खराब है, लाइट जो खराब है, ये पता ही नहीं चल ये कह रहे। दिस इज लाइट बाबा खराब और वो सब चीज़ें खराब ही थी। ऐसे एंड यार गाइस सॉरी फॉर द वॉइस डिस्टर्बेंसेस, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है तो मैं क्या करूँ। हे गाइस तो हम फाइनली पंजाब में आ गए हैं, अमृतसर अभी कुछ ही दूर है एंड अभी 8:45 हो रहा है, 2 घंटे मैक्सिमम ही बाकी ही है एंड अभी कहीं भी बस रुकेगी तो हम वहाँ पर खाना वाना खाएंगे एंड फिर थोड़ा सा सो जाएंगे एंड फिर बस पहुँचेंगे अमृतसर। एंड यहाँ का हाल देखो, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लाइक विद कज़न विद फैमिली एवरीथिंग इज। अरे वाह मेरी छोटी सिस्टर इसके साथ भी मैक्सिमम तो फोटोज क्लिक करते रहते हो। एंड यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर है ना कि आप जितना भी देखोगे थकोगे ही नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको मिलती हूँ जब हमारी बस रुके कि हमें नीचे का नज़ारा दिखाऊंगी। सो गाइस आज मैं आपको देने वाली हूँ अपना रूम टूर। सो दिस इज़ द फाइनल रूम। ये एक बेड है जो हमने कबाड़ा किया था एंड ये टीवी जो वाईफाई से कनेक्ट है एंड वो ऊपर एसी जो ये चल ही रहा है, ये इतना कम है ना कि कैसे चलाऊंगा। अच्छा अभी तो हम जा ही रहे हैं, 26 पे कर दिया, आग लग जाएगी। तो बहुत अच्छा रूम था। आ रही लिटरली कितना सुंदर है एंड गाइस इसके बाद वीडियोज या फोटोज क्लिक करना या फिर कैप्चर करना अलाउड नहीं था क्योंकि इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर इतने सुंदर से डिज़ाइन किया था ना कि अगर आप फोटोज और वीडियोज में ये सब देखोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अगर आप यहाँ आके अपनी आंखों से देखोगे तो लिटरली इतना सुंदर लगेगा ना कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। एंड इसकी साइड वाली बिल्डिंग थी जो मुझे काफ़ी सुंदर लगी तो मैंने कहा इसके भी फोटो खींच लेते हैं। एंड यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है इस फोटो में, इसमें आपको खड़ा होना होता है ताकि आप इसका अंदर देख सको कि इसके गोल्डन टेंपल के अंदर है क्या। एंड गोल्डन टेंपल के बाद हम कौन से जगह घूमें देखने के लिए। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2 एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।